एनएसयूआई जिला हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को फाइनल वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के लिए प्रमोट करने के लिए प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज हमीरपुर के माध्यम से पत्र भेजा। कोरोना महामारी के चलते बढ़ते हुए संक्रमण से बचने और महामारी के फैलाव को रोकने के लिए इस वर्ष परीक्षा न करवाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं और परिवहन की सुविधा भी बिल्कुल कम है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार बच्चों को प्रमोट नहीं करती है तो एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के पुतले फूकेगी। एनएसयूआई पूरे प्रदेश में प्रमोट स्टूडेंट सेव फ्यूचर के नाम से सरकार के विरुद्ध अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि पहले नेता लोग खुद संसद भवन तक जाने का काम करें, फिर बच्चों के एग्जाम खोलें। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के छात्रों के साथ बर्ताव असहनीय है और सरकार का इसी तरह का तानाशाही रवैया रहा तो इसका परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। इस मौके पर प्रशांत शर्मा, शिवम पठानिया, प्रिंस कुमार आदि शामिल रहे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। आज हम यहाँ हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल महोदया को एक मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया, जिसमें हमने सभी जो बीएससी फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको प्रमोट करने की बात कही है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में ही यूनिवर्सिटी ने एक टेंटेटिव डेट शीट जारी की है, जिसके आधार पर 15 जुलाई से हमारे एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। तो जैसा कि तो अगर हालात देखें, अभी के हालात देखें, तो पिछले 3 दिनों में ही 41 नए मामले जो हैं वो हमीरपुर जिले में देखने को मिले हैं। तो अगर इसी तरह की ये महामारी फैलती रही तो छात्रों के साथ कोई भी छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और इनकी सेफ्टी के लिए सरकार को जिम्मेवारी उठानी चाहिए। धन्यवाद। आज हम लोगों ने माननीय जो प्रिंसिपल महोदया हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल कॉलेज के, उनको जो है वो मेमोरेंडम दिया। आप सभी को ज्ञात होगा कि गत दिनों पहले भी हम लोगों ने माननीय डीसी महोदय से ज्ञापन भेजा था, राज्यपाल महोदय को, एचपीयू प्रशासन को, कि बच्चों को प्रमोट किया जाए। लेकिन सरकार अभी तक जो है वो इस तरफ कोई अपनी जो है वो किसी प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया जो लोगों स्टूडेंट्स के प्रति नहीं दे रही है, स्टूडेंट्स के हित में नहीं दे रही। आप लोग देखेंगे कि हमीरपुर जिला की अगर मैं बात करूं तो गत दिन ही 16 नए केसेस जो है कोरोना के वो सामने आए हैं, वो भी केवल 32 सैंपलों में से। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस स्तर पर जो कोरोना जो है वो अपना कहर बरपा रहा है। और आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग आ जाए हैं कॉलेज में तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था हमें नजर नहीं आ रही है। और ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो भी जो है वो सरकारी बसों पर हम लोग निर्भर हैं, लेकिन वो बसें भी जो है वो अपने कई कई रूट ही आ रहे हैं, कई रूट नहीं चल रहे हैं। तो छात्र वर्ग जो है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमारे प्रदेश सरकार से मांग है कि बच्चों को प्रमोट करें और उनका फ्यूचर सेव करें। अगर सरकार अपना इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती है तो हम लोग कड़ा से कड़ा आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी का पुतला दहन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।